बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट मलाई केक बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े का होता है खाने में और इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, झटपट से बनकर के तैयार हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट और यमी होता है। टेस्ट इसका बहुत ही औसम होता है। तो चलिए, हम इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर शुगर सिरप रेडी करना है। तो शुगर सिरप के लिए यहाँ पर मैंने एक बोल में 2 कप पानी लिया हुआ है और उसी के साथ यहाँ पर हम इसमें शक्कर डालेंगे 1 कप और इसकी हमें चाशनी बना लेना है। हम इसमें एक हरी इलायची भी खोल करके डाल देंगे, सिर्फ एक ही काफ़ी है इसके लिए। और इसकी अब हमें 1 तार या 2 तार की कोई चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें शुगर को डिसॉल्व होने के बाद 2-3 मिनट तक के हाई फ्लेम पर पका लेना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कलर के लिए मैंने येलो ऑरेंज फूड कलर भी ऐड किया है 1 पिंच। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो डालें वरना फिर स्किप कर दें। तो चलिए अब हम इसे फ्लेम पे चढ़ा देते हैं और बाकी की प्रिपरेशंस भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ml फुल फैट मिल्क लिया हुआ है, इसे अब हम पैन में निकाल लेंगे। इसी के साथ हम इसमें शुगर भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। और इसी के साथ हम इसमें भी फूड कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे 1 पिंच। इधर हमारी चाशनी में भी एक बॉयल आ चुका है, अब हम हाई फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट तक के पका लेंगे। यहाँ पर दूध को भी हम फ्लेम पे चढ़ा देंगे। दूध में बॉयल आ चुका है, अब हम फ्लेम को यहाँ पर मीडियम कर लेंगे और इसमें हम 1 कप दूध की मलाई जो ऊपर दूध की आती है वो हम डाल देंगे भर के। और अगर आपके पास इस वक्त नहीं है तो आप अमूल की फ़्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं 1 कप। मलाई या क्रीम डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक कि दूध में दोबारा से बॉयल नहीं आ जाता है। तो दोबारा दूध में बॉयल आने लग गया है, अब हम यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल कम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से दूध में 2 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लावर मिक्स करके उसकी स्लरी सी बना ली है। स्लरी के लिए आपको दूध ठंडा ही लेना है, अगर आप गर्म या गुनगुना दूध लेंगे तो आपकी स्लरी में लम्ब्स पड़ सकते हैं। हमें इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे इसमें दूध में धीरे धीरे ऐड करना है, एकदम से ऐड ना करें, धीरे धीरे ऐड करें ताकि लम्ब्स पड़ने का रिस्क ना रहे। और फ्लेम को भी आपको यहाँ पर बिल्कुल लो रखना है। तो क्रीम में हमारी बॉयल आ गया है अच्छे से और अब ये रेडी है, हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। दूसरी साइड चाशनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं हम अपने इंस्टेंट मलाई केक की असेंबलिंग की तरफ। तो यहाँ पर हमें इसके लिए चाहिए होंगे रस्क, जो उमूमन हम चाय के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। इसकी हम इस तरीके से एक लेयर लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर चाशनी पोर करेंगे धीरे धीरे करके। हमें यहाँ पर गर्म चाशनी ही डालनी है ताकि जो हमारी रस्क है वो अच्छे से सॉफ्ट हो सके। चाशनी हमने अच्छे से स्प्रेड कर दी है पूरे में। अब हमें इसके ऊपर क्रीम अपनी डालनी है जो कि हमने रेडी करके रखी हुई थी, वो भी हमें गर्म ही डालनी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, स्प्रेड करेंगे। अगर आपको इसका टेस्ट ना अच्छा लगता हो तो आप स्किप कर दें। अब हमें इसकी सेकेंड लेयरिंग करनी है, उसके लिए भी हमें यहाँ पर रस्क चाहिए होंगे। रस्क हम इसमें लगाएंगे और उसके ऊपर चाशनी को स्प्रेड कर देंगे पहली लेयर की तरह, और उसके ऊपर हम क्रीम स्प्रेड कर देंगे। अब इसे थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करेंगे, और आप चाहें तो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से इसे गार्निश कर सकते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा और टेम्पटिंग लगने लगे। अब हमें इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद हम इसे चिल्ड सर्व करेंगे। ये देखिए, हमारा इंस्टेंट मलाई केक बन करके बिल्कुल रेडी है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टेंट मलाई केक बन करके रेडी है। देखिए कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है ये, और खाने में भी ये बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाला। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सेलेक्ट ऑल कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो अपडेट्स आपको वक्त पर मिल सकें। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दें। अल्लाह हाफिज़।